नमस्कार, आप देख रहे परमार्थ आवाज। फिर निकले कोविड-19 के दो मरीज, दो घंटे पहले खोला गया बाजार, पुलिस प्रशासन द्वारा फिर कराया गया बंद। उधर प्रशासन के इस रवैये को लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने व्यापार मंडल मिश्रा गुट के नगर अध्यक्ष तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष की अगुवाई में व्यापारी ने थाने का घेराव कर SDM से वार्ता की। जानकारी के अनुसार इसे शमशाबाद नगर के लोगों का दुर्भाग्य कहें, क्योंकि यहां एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार कोविड-19 के मरीज पाए गए हैं। कोई मुंबई से आया था तो कोई जयपुर से आया था, और बार बार लोगों के संक्रमित पाए जाने के कारण प्रशासन द्वारा शमशाबाद नगर को बार बार सीज करा दिया जाता है। व्यापारियों के अनुसार बताया गया कि शमशाबाद नगर में मोहल्ला मीरा दरवाजा, जहां पहला युवक जो मुंबई से आया था, जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद 21 दिनों के लिए बाजार बंद कर दिया गया था। किसी तरह 21 दिनों के बाद वनवास काटा तो 23वें दिन बाजार खोला गया। इसी दौरान शमशाबाद नगर में जयपुर से आए हुए आधा दर्जन लोगों ने दस्तक दी, जिसमें दो पिता पुत्र फहीम तथा सलीम निवासी मोहल्ला दलवीर की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके बाद बाजार को फिर बंद करा दिया गया था। उधर क्रय विक्रय की समस्याओं से जूझ रहे क्रेता विक्रेता मायूस हो गए, क्योंकि अब उनके आगे रोजी रोटी की समस्याएं मुंह बनाए खड़ी हुई थी। उधर प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से आक्रोशित व्यापारियों ने मंगलवार को व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष श्रीनिवास चतुर्वेदी एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम शर्मा के नेतृत्व में बड़ी तादाद में व्यापारियों ने थाने में दस्तक दी। ऐसा लग रहा था जैसे व्यापारी आक्रोशित जताते हुए थाने का घेराव कर रहे हों। व्यापारियों का कहना था कि अगर फरुखाबाद के किसी एक मोहल्ले में कोई मरीज पाया जाता है तो उसी मोहल्ले के दायरे को सीज किया जाता है। उधर पुलिस प्रशासन की कार्यवाही से व्यापारियों में आक्रोश दिखा, क्योंकि मंगलवार को पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में सुबह बाजार खोला गया, लेकिन बदकिस्मती एक बार फिर दो मरीजों के निकलने से शमशाबाद बाजार को बंद कर दिया गया। शमशाबाद नगर के मोहल्ला मीरा दरवाजा निवासी साहबुद्दीन तथा मोहल्ला दलमीर खां मादन, जो विगत दिनों पूर्व जयपुर शमशाबाद आए हुए, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच और सैंपल लिया गया था। मंगलवार को दोनों की रिपोर्ट एक बार फिर संक्रमित आने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा शमशाबाद बाजार को सीज कर दिया गया, जिससे एक बार फिर व्यापारी तथा आम लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया। मामले की जानकारी उप जिलाधिकारी कायमगंज अमित आसेरी को दी गई, जिस पर उप जिलाधिकारी कायमगंज ने शमशाबाद जाकर समीक्षा की। इस दौरान व्यापारियों ने एकत्रित होकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उप जिलाधिकारी कायमगंज से वार्ता की तथा प्रभावित दायरे को छोड़ शेष मार्केट खुलवाए जाने की मांग की। वहीं जिला अधिकारी कायमगंज में सभी व्यापारियों को कानून का पाठ पढ़ाते हुए कहा, अगर पहली बार किसी मोहल्ले में कोई मरीज पाया जाता है तो उस मोहल्ले में 250 मीटर का दायरा सीज कर दिया जाता है। दोबारा पाए जाने पर आधा किलोमीटर, फिर भी उप जिला अधिकारी कायमगंज द्वारा व्यापारियों को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। फरुखाबाद स्टेट ब्यूरो अनिल मिश्रा की विशेष रिपोर्ट।